बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे को लेकर जहां विकास दुबे के सहयोगियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां विकास की करीबी जय वाजपेयी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। बता दें कि विकास का पैसा जय वाजपेयी ने अपने कई धंधों में लगाया है, तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और नीरज अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी जय वाजपेयी को लेकर, किस तरह का संबंध विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच? देखिए, घटना के बाद से ही विकास दुबे से और जय वाजपेयी की कनेक्शन की बातें सामने आ रही थी। धीरे धीरे वो चीजें एसटीएफ की जांच में सामने आई, कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि लगातार इन लोगों की बातचीत होती थी। फिर उसके बाद एक ये चीज आई कि विकास दुबे के खजांची के रूप में जय वाजपेयी काम करता था और उसका जो पैसा था वो बाजार में लगाता था। इन चीजों के पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं, ऐसी जानकारी है हमारे पास एसटीएफ के सूत्रों से, पुलिस के सूत्रों से, और लगातार इस पे शिकंजा कसने की अब तैयारी हो गई है, क्योंकि जानकारी मिली करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा जो था विकास दुबे का, वो जय वाजपेयी ने मार्केट में अलग अलग कामों में लगा रखा था और उसी के चलते वो विकास को फायदा उठाता था। इन सारे सबूतों के मिलने के बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विकास के ऊपर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी, जय के ऊपर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है और जल्द ही जय के ऊपर केस दर्ज, केस में कुछ और चीजें देखने को आ सकती हैं। जी जी, लेकिन नीरज ये बताइए, अभी जय वाजपेयी को लेकर कोई जानकारी क्या उस तक पहुंच चुकी है पुलिस, और कैसे उस पर शिकंजा कसा जाएगा, किस तरह की कार्रवाई उस पर करने की तैयारी अभी शुरू की गई है? देखिए, जय लगातार पिछले 5 से 7 दिनों से एसटीएफ की कस्टडी में है, लगातार एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है, उसके परिजनों से भी पूछताछ की गई, क्योंकि विकास जो था वो प्रमुख मुद्दा था, प्रमुख टारगेट था इस पूरे मामले में, अब वो ढेर हो चुका है। उसके बाद अब जो पुलिस है उसके इर्द गिर्द के लोगों मुकदमे में अन्य वांछितों और जो उसके बहुत सहयोगी थे उनके गिरफ्तारी और उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी, इसी कड़ी में जय वाजपेयी का नाम आता है। चलिए, धन्यवाद आपका नीरज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।